थैंक यू सर। माननीय महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। भारत एल्यूमिनियम कंपनी आज भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और सबसे बड़े उत्पादकों में उसकी गिनती होती है। सन 2000 में भारत की विनिवेश नीति के तहत स्टरलाइट कंपनी को इस कंपनी का 51% हिस्सा बेच दिया गया था। आज 51% उसकी हिस्सेदारी है। मैं कहना चाहती हूँ कि इस 51% जब इनके पास में पहुँचा, इस भारत एल्यूमिनियम कंपनी का जो 51% इनके पास पहुँचने के बाद, उस समय उत्पादन एक टन था और आज 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी यह कंपनी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस कंपनी का जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जो जमीन था, उस जमीन पर भी इनका कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रखकर जमीन का आवंटन कराया। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने इन्हें जो जमीन का आवंटन किया, वहां के स्थानीय प्रशासन को जो इन्हें अनुमति दी गई, वह अनुमति अवैध तौर पर दी गई है। स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों को आईटीआई के तहत ये प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। जो वहां पर दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को भी इन्होंने निजी के ठेके पर दिया हुआ है। इस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और वहाँ पर CSR के तहत इन्हें जो काम करना चाहिए, ये बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घाटे पर अपनी कंपनी को दर्शाते हैं और 1 टन से 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कंपनी घाटे में कैसे है। और लगातार अगर घाटे पर है, और अगर घाटे पर है 5 लाख टन होने के बाद भी, तो सरकार इनकी जांच करे। मैं आज ये सरकार से अनुरोध करती हूँ कि बालको के द्वारा की गई अनियमितताओं पर तत्काल जाँच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।